वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो तो आज तुम्हारे सामने हम रैंडम वेरिएबल्स की बात करने वाले बहुत से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट uh, भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कोई भी एग्जाम है अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो भाई कहीं से नहीं आ सकता क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस है

आराम से एक अपनी सीट बेल्ट को बांध लो और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा आज हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स का अब अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना सबसे पहली चीज हम तुम्हारे सामने फिर से रिवाइज करा देते कि एक हमारे पास होता है एक हमारे पास होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है वो एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम इज नॉट यूनिक तुमने एक कॉइन को टॉस किया हेड भी, भी आ सकता है टेल भी आ सकता है इट इज नॉट नेसेसरी कि हेड ही आएगा इट इज नॉट नेसेसरी कि दो बार हेड आया तो तीसरी बार भी हेड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है और जो रिजल्ट होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के उन्हें आउटकम्स बोलते हैं ठीक है फिलहाल के लिए मैं यहां लिखना चाहूंगा आउटकम इज नॉट यूनिक आउटकम इज नॉट यूनिक समझ पाए और अगर तुम सारे के सारे आउटकम जितनी पॉसिबल है वो एक डिब्बे में डाल दो उस डिब्बे का नाम होता है स्पेस स्पेस तो नोटबुक पेन निकाल देना मैं कोई यहां पे प्रवचन नहीं सुना रहा हूं कि तुम्... तुम्हें बैठ के सुनना है साथ साथ लिखना भी है सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं ओमेगा से और ये हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कॉइन को दो बार टोस्ट किया तो हमारे पास हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल ये हो सकता है ऐसा कुछ अब तुम इसके सबसेट बना लो एक। ये बन सकता है ये 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 बन 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 सकता 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 है 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 एक भी ना ये सबसेट्स बन गए तो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस वैसे हम सबसेट को ना इवेंट भी बोलते हैं तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन और लिख देता हूं इवेंट की इवेंट का मतलब क्या होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सबसेट का मतलब सैंपल स्पेस का छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड इवेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइस को थ्रो किया ये आ गया वी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रो ऑफ डाइस तो हमारे पास क्या आ जाएगा डाई सिंगुलर वाली डाई और प्लूरल वाली डाइस तो दो तीन पांच ये तीन आ सकते भाई ये इसी का ही तो छोटा सा पार्ट है दैट इज वाई दिस इज नोन एज इवेंट है ना तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं इवेंट बोलते हैं तो सबसेट uh, बोलो या इवेंट बोल लो बात एक ही है और अगर मैं बोलू कि सेट ऑफ सेट ऑफ इवेंट्स विच इज ब्रैकेट में लिख लेते हैं सबसेट ऑफ ओमेगा सैंपल स्पेस के जो सबसेट uh, होने वाले दिस इज कॉल्ड ए दिस इज डिनोटेड बाय ए अब इस एक सिग्मा एलजेब्रा भी बोलते हैं मैं एक जनरल टर्म एलजेब्रा भी यूज कर सकता हूं बट अभी कोशिश करते हैं ठीक है तो मैं इसको अगले पेज पर पे डिफाइन करने वाला हूं कि ये हमारे पास क्या होगा मैंने अजीब सा ए जान के बनाया ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊं चीजों को तो यह हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ यह हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ ओमेगा ठीक है और इसको हम सिग्मा अलजेब्रा कब बोलने वाले हैं या कलेक्शन ऑफ इवेंट्स इसको हम सिग्मा अलजेब्रा कब बोलने वाले हैं जब फॉलोइंग चीजें ट्रू होने वाली है सबसे पहली कि जो सैंपल स्पेस है वो इसके अंदर आएगा पूरे का पूरा सैंपल स्पेस इसके अंदर आना चाहिए बात समझ आ रही है ठीक बढ़िया अरे जैसे मैंने अभी बताया हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल तुम तुम इसको अकेले को लिख सकते थे इसको अकेले को इसको अकेले को इसको अकेले को इसका पेयर बना सकते थे इसका पेयर बना सकते थे इसका पेयर और लास्ट दो का पेयर है ना और क्या कर सकते थे और चारों को एक साथ रख रख सकते थे या तीन का और एक का पेयर बना सकते तीन तीन करके कर सकते थे वो जितने भी डिफरेंट सबसेट आएंगे तुम इसके बीच में डाल दो ए के बीच में ए इज दी कलेक्शन बात समझ पा रहे हो तो उसमें वो एलिमेंट भी तो आएगा ही ना यार हेड 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 टेल वो जिसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस भी तो आ ही जाएगा ना उसमें जब तुम सारे के सारे सबसेट्स डाल रहे हो मैं मैथमेटिकली एक चीज बताता हूं कि सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ अ सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ध्यान से वीडियो को पॉज करके सोचो लगाओ दिमाग इस पे दूसरी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो हमारे पास है कि अगर ए है ए इन दिस This implies ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी सारा भी किसमें होना चाहिए इसमें सेट ऑफ ऑल दबसेट ठीक है एक मिनट रुको uh, अभी दिखाई दे रहा होगा सही से मेरे ख्याल से यहां तक बात ट्रू होगी तीसरी बात है हमारे पास काउंटेबल यूनियन होनी चाहिए अभी के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं ए वन ए टू बिलोंग्स टू दिसन दिस इंप्लाइज ए वन यूनियन ए टू मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन तो होता ही है

प्रोबेबिलिटी स्पेस पे आ जाते हैं यहां मैं एक एक वर्ड इंट्रोड्यूस uh, कर देता हूं तुम्हारे सामने जिसे बोलते हैं मेजर थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज है ठीक है मेजर हमारे पास होता है म्यू फ्रॉम सिग्मा फ्रॉम सिग्मा ही बोलते हैं वैसे ही से जीरो से इंफिनिटी अब तुमको क्या गलती है इन्फिनिटी तो ऐसी वाली ब्रैकेट हमारे को टीचर ने सिखाई थी आप ये वाली ब्रैकेट लगा रहे हो हाँ। क्योंकि इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल लाइन हमारे भी इस बार काम की होगी एक्सटेंडेड रियल लाइन ये हमारे काम की होगी इस बार ठीक है बढ़िया बहुत अच्छा तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा कब इसको हम मेजर बोलने वाले हैं ये जो फंक्शन है जो कि हमने सम्मे, आ, सिग्मा से इस पे डिफाइन किया मतलब एलिमेंट लेंगे सिग्मा से एक सेट है सिग्मा उससे एलिमेंट लेके मैप uh, किस पे होंगे जीरो से लेके इंफिनिटी तक ठीक है जीरो से लेके कहां तक होंगे इन्फिनिटी तक तो उसको हम मेजर कब बोलेंगे जब फॉलोइंग कंडीशन ट्रू होने वाली है ठीक है बढ़िया तो अभी मैं बताता हूं कि सिग्मा वगैरह क्या है धीरे धीरे सुनते जाओ कहानी और सारा को इकट्ठा करके एक बढ़िया सी प्रोबेबिलिटी स्पेस बताऊंगा फिर मैं तुम्हें फिर रैंडम uh, उस उसपे वेरिएबल्स पे चलेंगे ठीक है पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर ई बिलोंग्स टू सिग्मा जर ऑफ ई ऐसे मेजर ऑफ ई मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिविटी भी बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी बात समझ आई है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए जो भी फंक्शन लोग हैं आंसर पॉजिटिव आना चाहिए यहीं से ही दिख रहा था वैसे हाँ इन्फिनिटी भी आ सकता आंसर आज तक हम ऐसी बात नहीं करते थे कभी की इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड है दैट इज वाई दिस इज नॉन एज एक्सटेंडेड रियल लाइन ठीक है दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है और एक और इसके साथ लिखी लो फाइव मेजर ऑफ फाइव ऑलवेज इक्वल टू जीरो खाली सेट जो होता है उसकी मेजर जीरो होने वाली है है एक ऐसा फंक्शन ढूंढना जो कि इस सेट और ये सेट कौन सा से? सेट ऑफ ऑल दी ऑलसेट ऑफ अ सेट बताता हूं कंफ्यूजिंग से थोड़ा सा इसीलिए मैंने अभी बोला नहीं सिग्मा को अलग से डिफाइन करूंगा अभी सेकंड पार्ट हमारे पास है कि काउंटेबल एडिटिविटी उंटेबल एडिटिविटी ऐसा कुछ ठीक है यह हमारे को क्या कहती है कि फॉर ऑल ई के वेर के इक्वल टू वन टू इंफिटी काउंटेबल का मतलब होता है इंफानेट हो सकता है बट मैं उसे काउंट कर सकता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट मैं तुम्हें बोलू वन के बाद नंबर कौन सा आता है वी डोट नो वन पॉइंट जीरो 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 कुछ भी आ सकता है बट काउंटेबल का मतलब सिक्स इन्फानेट तक जा सकता है ठीक है तो ये हमारे पास है दिस इज काउंटेबल कलेक्शन दिस इज काउंटेबल कलेक्शन दिख रहा नहीं हाँ ठीक रहा ठीक है काउंटेबल कलेक्शन ऑफ वाइज ऑफ पेयरवाइज डिस ज्वाइंट सेट्स पेयर वाइज डिस ज्वाइंट सेट्स इन सिग्मा याद रखना सिग्मा सेट अभी डिफाइन करना हमें तो हमारे पास क्या होनी चाहिए कंडीशन मेजर ऑफ दिस मेजर मतलब जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ऑल दो अभी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे एक स्पेशल टाइप के मेजर डिफाइन करेंगे जिसको प्रोबेबिलिटी मेजर बोलते हैं वो भी डिफाइन करेंगे मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू वन टू इंफिनिटी मेजर ऑफ इंडिविजुअल मेजर ऑफ ऑल द इवेंट्स या एलिमेंट्स ठीक है बढ़िया मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी बढ़िया ऐसा है कुछ ठीक है ये हमारे पास थी दिखने में थोड़ा अजीब है बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बट मैं यहां पे थोड़ा सा और जा के तुम्हें सिग्मा भी समझाना और फाइनली मैं स्पेस के बारे में बताना अब मैं तुम्हें बताता हूं कि, uh, sigma algebra. या इसे सिग्मा फील्ड भी बोल देते हैं कभी कभी सिग्मा फील्ड भी बोल देते हैं ऑन एक्स एक्स एक सेट लेके चल रहे हैं इज कलेक्शन इज नॉन एम टी कलेक्शन सिगमा ऑफ सबसेट जैसे मैंने पहले बताया था यह भी तो हमारे पास सबसेट का ही काम कर रहा था बस ये समझ लो कि समेशन ये जो मैंने समेशन जैसा साइन लिखा है और ये ये दोनों सेम ही बात है बस ये प्रोबेबिलिटी में यूज होगा ये इन जनरल यूज होगा बस इतना सही फर्क है और कोई फर्क नहीं है प्रोबेबिलिटी के हमले लिए हमने एक न्यू सिंबल निकाल लिए of ऑफ of, uh, subsets of X closed under closed under closed का मतलब दो एलिमेंट लोगे उसमें कोई ऑपरेशन लगाओगे लेटर से एडिशन दो एलिमेंट लिए उसका एडिशन किया वापस उसी सेट में आना चाहिए जरूरी नहीं है एडिशन हो किसके अंडर क्लोज होना चाहिए क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ये वाली देखो प्रॉपर्टी ऐसा सही कुछ लग रहा है ना ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब दूसरा काउंटेबल यूनियन ये भी मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिखा दी ये रही मैंने तो दो के लिए ही दिखाया काउंटेबल हो सकते थे ठीक है बस ऐसे समझ लो मैं इसी की डेफिनेशन एक और बार लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं ठीक है काउंटेबल यूनियन एंड इंटरसेक्शन हाँ ये अगर हमारे पास है देन दिस इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्पीड अभी सही है मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी सारी की सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी अब मजा आएगा जब मैं इनको कंबाइन कर दूंगा तो अब देखो ये जो ये एक्स अलोंग विद दिस सिग्मा जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो इसको हम क्या बोलते हैं मेजरेबल स्पेस मेजरेबल स्पेस ठीक है और अगर मैं इस पे एक फंक्शन भी डिफाइन कर दूं म्यू फ्रॉम समेशन ये सब में ये जो सिग्मा है ये कहां से लेके आए एक्स में से लेके आए एक्स के सबसेट्स हैं और ये एक्स से तो बड़ा ही होगा ना सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेट इट मतलब कहने का क्या है अगर एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं और सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑल दी सबसेट उसे पावर सेट भी बोलते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं टू की पावर एन दोबारा बताने की कोशिश करता हूं कि अगर एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं और अगर तुम उसके बनाना चाहो लेटर से एक खाली आ जाएगा वन टू थ्री इसके अलावा बताओ कुछ भी नहीं बन सकता कितने होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हो गए ना और टू की पावर थ्री भी कितना होता है आठ ही होता है तो अगर तुम एक सेट लो जिसमें एन एलिमेंट्स हैं तो उसका पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे टू की पावर है तो हमेशा बड़ा होता है इन नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट को हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन तो ये याद रखना कार्डिनेलिटी ऑफ कार्डिनेलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं कार्डिनेलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ इज ऑलवेज ग्रेटरिटी ऑफ ए

एक चीज दिखाते हैं अब यहां पे x को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से और ये जो सिग्मा था इसको रिप्लेस कर देंगे a से या अजीब सा दिखने वाला ए ठीक है और यहां पे फंक्शन हम लेके आएंगे कैसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस ट्रिपलेट को हम क्या बोलने वाले हैं न्यू नाम देने वाले हैं एंड दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी स्पेस यहां पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस ये इतना खास क्यों है क्योंकि इसकी ये जो मेजर है ना ये जो मेजर है ये हमारे पास कैसे डिफाइन होने वाली है इसका आंसर हमेशा क्या आ सकता है जीरो से लेके वन तक ही आ सकता है बस इस चीज का ध्यान देंगे मतलब ये स्टार्ट होता है मतलब एलिमेंट्स एलिमेंट्स कहां से लेने? A, इस A से लेने ए ए इस इसके कैसे होंगे इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे इसमें से इवेंट्स निकालेंगे और इवेंट कहां पे मैप कराएंगे जीरो से लेके वन तक इस स्पेशल टाइप की मेजर को जिसमें जीरो से लेके वन तक ही आ सकता आंसर उसे हम बोलते हैं प्रोबिलिटी मेजर दिस इज नोन एज प्रोबिलिटी मेजर एंड इसी के साथ हमारी मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो होता है भाई लोग कंप्लीट दिस इज द कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबिलिटी मेजर यहां से आई थी प्रोबेबिलिटी यह बनाई हमने रिगुलस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ काम मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं अगर मान लो प्रोबेबिलिटी के आ जाएंगे वही, आ, फेवरेबल नंबर वगेरा, वगेरा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैं इस पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी कर देता हूं, कि प्रोबेबिलिटी मेजर तो डिफाइन कर दिया और भी एक आध प्रोपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है पहली प्रॉपर्टी करनी होगी ट्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए मस्ट बी ग्रेटर टू जीरो फॉर ऑल ए सारे के सारे इवेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए दूसरा सुनो दूसरा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वन ऑलवेज इक्वल टू वन तीसरा अरे भाई पूरे सैंपल स्पेस में से कोई तो आएगा ही आउटकम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन इन एन आइटम अरे भाई आइटम के अंदर कहीं तो मिलेगा ही मैं तुमसे पूछता वट इज दोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन थ्री एंगस्ट्रोम थ्री नैनोमीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस उसका नहीं मुझे पता एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा जीरो सेवन के बीच में ही आएगा बट एटम के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी ऑलमोस्ट एक एटम के बाहर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन अगर वो कंडीशन हटा दें तो अगर हमारे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं अरे रुको अभी दिख रहा है क्या हाँ और वो इवेंट्स क्या हमारे पास ए आई काउंटेबल है से लेके इंफिनिटी तक तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू ए आई मस्ट इक्वल टू मेजर में लिखा था बिल्कुल सेम ही है मेजर में भी यही बात लिखी थी हमने खत्म हो चुका है एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस प्रोबेबिलिटी मेजर इन तीनों को मिला के पास क्या बनता है प्रोबेबिलिटी ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो सारा कुछ मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट uh, में क्या फर्क होता है डिसजॉइंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिस का मतलब होता है कि अगर कभी भी एक बॉक्स है उसके बीच में ये है पहला इवेंट ये है बी इवेंट इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है इंटरसेक्शन मस्ट भी फाइव और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव कितना होता है जीरो वैसे इसमें मेंशन नहीं किया बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव जीरो होता है. खाली साइड की ठीक है बढ़िया और अगर हमारे पास डिसजॉइंट इवेंट्स हैं इफ ए वन एंड ए टू आर डिसंट तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन का मतलब होता है और अरे ये वाला और दिस और दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अबे भाई दोनों में से तो एक आएगा ही समझ पा रहे हो दोनों में से एक तो इवेंट एक तो आउटकम आएगी ना दोनों में से बस वही है अगर डिसजॉइंट इवेंट हुए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू अगर डिसज्वाइंट ना होते तो यहां पे आता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू यह एक्स्ट्रा चीज आती बट अभी के लिए एक्स्ट्रा चीज हमें नहीं लगानी है क्योंकि हमने डिसज्वाइंट की बात की है मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी ठीक है तो अब डिसजॉइंट में हम कह सकते हैं इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ दीज एलिमेंट्स काउंटेबल होने चाहिए क्योंकि अनकाउंटेबल होंगे ना मैथमेटिशियंस कुछ ना कुछ ढूंढ के तो पंगा कर ही देंगे हमारे लिए तो काउंटेबल मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी इन जनरल ये होता है और अगर है तो ना होते तो ये वाला साइन लग जाता मैं अभी के लिए इसको रहने देता हूं ठीक है इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी मे नॉट बी एम टी मे नॉट बी एम टी बात समझ आई बट अक्रेंस ऑफ वन occurrence of one does not affect occurrence of other 99 बार हेड आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता 100th टाइम में मुझे नहीं पता कि हेड आएगा टेल भी आ सकता है हेड भी आ सकता है देखो पिछली आउटकम ने उसको इफेक्ट नहीं अफेक्ट नहीं किया लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि तीन वाइट बॉल है एक ब्लैक बॉल है और दो बॉल्स निकालने तुमने पहली निकाली देख ली ब्लैक आई अब तो आएगी ही व्हाइट तो इसने अफेक्ट कर दिया ना इस आउटकम ने पिछले अगले वाले आ, इवेंट अगले वाला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा उसको अफेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा ठीक है तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक मिनट रुको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब एंड अगर दो इवेंट में बोल रखो दिस एंड दिस तो इंटरसेक्शन ठीक है और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन लेकिन कब होगा मल्टीप्लीकेशन इंडिपेंडेंट तो सिंपल वाली मल्टीप्लीकेशन होगी वरना क्या होता है वरना हमारे पास होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी आगे बढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे हैं इसके बाद हमारे पास आता है रैंडम वेरिएबल फाइनली हम अपनी थ्योरी पे आ ही जाते हैं कि रैंडम वेरिएबल होते क्या है उसके बाद चलेंगे भाई क्या क्या रैंडम वेरिएबल के बारे में बात है तो हमारे पास है रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल का मतलब हमारे पास होता है एक्स अगर एक फंक्शन है हमारे पास सैंपल स्पेस से रियल नंबर सारे के सारे सैंपल स्पेस को उठा के एक एक रियल नंबर असाइन कराना सैंपल स्पेस को क्या असाइन कराना रियल नंबर असाइन करा देना जैसे फॉर एग्जाम्पल हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ बोथ ट्रायल्स दोनों में ही हेड आने की यहां पे अगर हम देखें तो यहां दो हेड है एक हेड है एक हेड है जीरो हेड है देखो मैंने आउटकम जो मेरे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट थे मैंने सबके साथ क्या किया एक एक रियल नंबर असाइन कर दिया अब ये नेगेटिव में भी हो सकता था पॉजिटिव में भी हो सकता था इसलिए मैंने रियल लिखा है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल क्या करता है एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सारे के सारे सैंपल स्पेस uh, के एलिमेंट्स को रियल नंबर असाइन कर देता है तुम तो यहां से कोई एलिमेंट लोगे x बिलोंग्स टू ओमेगा तो ये x को एक नंबर असाइन कर देगा लेटेस्ट से वन ठीक है उसे ही हम रैंडम वेरिएबल बोलने वाले हैं चलो बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं यार ठीक है हमारे पास डोमेन रहने वाली है ये एलिमेंट लेंगे यहां से आंसर यहां से आएगा तो इसको बोलेंगे बात है? बढ़िया। से हमारे पास की है. की. तो क्या होगा हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या क्या बन पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्रॉस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले वन को इनसे करोगे फिर टू को इस पूरे से करोगे टू कोमा वन टू कोमा टू टू कोमा थ्री अप टू सोन बना लेना तुमने नाइन uh, टेंथ में सीखी होंगी ये बातें <coughs> लेकिन अगर मैं रैंडम वेरिएबल बनाना चाहूँ तो बहुत सारे बना सकता हूँ इनमें से लेट अस से मैं uh, कुछ एक आधा बता देता हूँ एक्स आई जे इज मैंने हर एक आउटकम uh, को यहाँ पे जैसे सम को मैंने uh, एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया ठीक है रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसा है अगर तुम यहाँ पे वन ऐसा कुछ एक्स, लिखोगे तो आंसर हमारे पास आएगा बारह तो आज के बाद तुम लिख लो या उसकी जगह बारह लिख लो सेम ही बात है बात समझे ऐसे अगर तुम चार तीन लिखोगे तीन चार लिखोगे दोनों में आंसर दोनों में हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखी सात ऐसा कुछ रैंडम वेरिएबल हमने बना दिया तो हम आउटकम्स को अगर अगर हम आउटकम्स को रियल uh, नंबर्स में लिख सके तो हमारे पास रेंडम वेरिएबल आ जाएंगे इसमें वैल्यू क्या क्या आ सकती है एक्स विल टेक टेक टू थ्री अपू सोन बारह तक वैल्यू टू कब आ जाएगा वन वन पे है ना बाकी छ पे बारह आ जाएगा और भी बनाए जा सकते थे जैसे लेटर से वाई आई जे इज इक्वल टू मोड ऑफ आई माइनस जे अब इसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वन माइनस वन जीरो और uh, छे माइनस एक पांच उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता 6 आ आ सकता सकता क्या इसमें 6 आ सकता है जीरो तो होता नहीं है ना तो छ नहीं आएगा मेरे ख्याल से तो आंसर आ सकता है टू तक टेक। बस इतने ही एग्जाम्पल मेरे पास थे वैसे तो कुछ भी बना सकते हो समझ ही के होंगे तुम है ना कोई भी फंक्शन जो कि ऐसा ऐसा दिखता हो कुछ भी बना दो 2i j बना दिया अप टू सोन ठीक है

तो मेनली देखें तो हमारे पास दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं सबसे पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है ऐसा रैंडम वेरिएबल विच टेक्स रैंडम वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल वैल्यूस जैसे अभी मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल दिखाई इसमें क्या क्या वैल्यू आ सकती है टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन टन कैन टेक अनकाउंटेबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल टेक्स अनकाउंटेबल वैल्यू अब तुम कहोगे अनकाउंटेबल वैल्यू ये कैसे होगा देखो कैसे जैसे मैं तुम्हें पूछूं द अमाउंट ऑफ रेन इन अ पर्टिकुलर डे तो भाई वो तो कुछ भी हो सकती है लेटर से जीरो से लेके वन मिलीमीटर तक

ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं रैंडम वेरिएबल की फिर इसके बाद थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स या अभी के लिए हम वेरिएबल्स लिख दें तो बढ़िया होगा ठीक है अभी मैं वेरिएबल से लिख देता हूं टू वेरिएबल्स <coughs> दो तरीके हो सकते हैं भाई लोग ठीक है uh, एक्स को अभी मैं डिस्क्रीट मान के चल रहा हूं ठीक है एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ अभी बताता हूं पीएमएफ होता क्या है एक बार इसको लिख लू ठीक है विद पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं इसे इफ ट्रांसफॉर्मेशन अस से इफ ट्रांसफॉर्मेशन वाई इक्वल टू जी एक्स इज डिफाइंड ज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज विद इन द रेंज ऑफ एक्स ठीक है तो एक और वर्ड आने वाला है अभी डिफाइन करता हूं एक मिनट आ रहा सो सॉरी फॉर दैटो पहले लिख दिया है बट दो मिनट के लिए झेल लो बस दी डी एफ ऑफ वाई इक्वल टू जी एक्स यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल एक्स लिख लेना एक मिनट रुको मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मतलब अलग दिखा देता हूं ऐसा कुछ इज ऑबेंड बाय दो केसेस बन सकते हैं ये जो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है ये पहली बात वन टू वन है और दूसरा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है नॉट वन टू वन नॉट वन टू दो केसेस हमारे पास बन सकते हैं बट मैं इस पर देर में वापस आऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने दो न्यू चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है तुम्हारे सामने एक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूं कि ये क्या होते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा आज का लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट होगा फिर उसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो ऐसा नहीं लगना चाहिए थोड़ी सॉल्व थोड़ी कर पे, पे करा करेंगे उसे, तो टाइम भी हमारा बचेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा कर पाएंगे ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम देखें तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यह हमारे पास होता है लेटा से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रेंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय देखने में थोड़ा अजीब लगेगा बट ध्यान से डिनोटेड बाय एफ एक्स डॉट जो भी हमारे पास जिस भी वेरिएबल डिफाइन करना होगा रेंडम वेरिएबल एक्स कैपिटल एक्स होते हैं रेंडम वेरिएबल स्मॉल एक्स होते हैं आउटकम्स जो भी मतलब हमारे पास वैल्यूज असाइन करनी है याद रखना है बात को डिफाइंड टू डिफाइंड एज Defined as from real numbers to. हमने random variable तो define कर दिए लेकिन उससे प्रोबेबिलिटी तो लेके आनी है random variable तो क्या करते हैं ओमेगा से जीरो से वन तक असाइन कर देंगे सारे तो लेकिन हमें उससे प्रोबेबिलिटी भी तो लेके आनी है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें तो उसी के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं अब हम रैंडम वेरिएबल तक पहुंचे हमें एक स्टेप और आगे जाना था तो हमारे पास इसीलिए हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है विच असाइन uh, ट मतलब uh, करेगा फिर इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू यह कंबाइंड ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट करेगा अगर तुम्हें कभी भी प्रोबेबिलिटी uh, किसी दो पार्ट की कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें ऐसे करनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला और इसको इसमें से माइनस करोगे तब इसके बीच की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तुम्हारे पास मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तीन तक का फाइंड आउट करते हो तो ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी छह तक का फाइंड आउट करते हो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हें तीन से छ तक चाहिए था तो से छीन वाले को माइनस कर दो ऐसे ऐसे हमें करना होता थोड़ा है थोड़ा मैथमेटिकल है बट ठीक है झेल लेंगे ठीक है तो थोड़ा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी

ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मैं तुम्हें पता है है कौन सी बुक फॉलो करता सीधी सीधी बात वहां वहां से जाके पढ़ लेना सारी चीजें भी लिखी बट अपने नोट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहली है कि अगर एक्स जा रहा होगा छोटा एक्स लिखना अगर एक्स जाएगा माइनस इंफिनिटी पे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास कहां पे जाएगा माइनस इंफिनिटी पे जाते ही हमारे पास जाएगा जीरो पे एंड लिमिट एक्स अगर जाएगा प्लस इंफिनिटी पे तो ये कहा जाएगा वन पे बस इतनी सी बात माइनस इंफिनिटी मतलब सबसे कम प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है सबसे ज्यादा सारे ही इवेंट्स इकट्ठे कर लिए तो हमारे पास बन हो सकती है प्रोबेबिलिटी ठीक है दूसरा दूसरा हमारे पास है मोनोटोनि मैथमेटिकल हो गया ना कोई बात नहीं अगर हमारे पास आ, दो आ, नंबर है ए लेस देन बी तो हमारे पास क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा फॉर ऑल या फॉर ए लेस देन बी इसे हम बोल सकते हैं मोनोटोनिक एंड नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक एंड नॉन डिक्रीजिंग क्योंकि अभी-अभी मैंने कहा था नीचे-नीचे की वैल्यू ऐड होती रहती हैं ऐड होती रहती हैं ऐड होती रहती है। जब तुम वैल्यूज ऐड ही करते जा रहे हो तो छोटा कैसे हो सकता फंक्शन एडिशन पे तो बड़ा ही होता है ना बस वही बात है ठीक है तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि लेट uh, अस right right से fx दिस इज राइट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस है राइट साइड से मतलब अगर ये लाइन है यहीं तक वैल्यूज असाइन है तो यहां से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इधर तो हम जा ही नहीं सकते अलाउड रीजन ही नहीं है तो राइट right साइड से कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हमें पता है लेफ्ट हैंड हैंड लिमिट लिमिट इज इज इक्वल इक्वल टू टू राइट फंक्शन की वैल्यू सेट थ्योरी में बताई थी, थी ये बात सेट थ्योरी ऑलरेडी सिखा चुके हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो बड़ा एक्स है ध्यान रखना थोड़ा ठीक है जो कि हमारे पास आ जाएगा एफ ओफ एक्स मेरे से बात समझ आ रही होगी ठीक है कोई भी फंक्शन जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी ना किसी रैंडम वेरिएबल का तो एनी फंक्शन एफ एक्स डॉट विद एफ रियल से लेके कहा भेज रहा है जीरो वन तक सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग अबव प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टीज इज अंडम वेरिएबल फॉर नहीं रैंडम वेरियबल्स ठीक है ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी <coughs> इसके बाद अब मैंने एक और भी बात बताई थी वो अब क्या बताई थी को एक मिनट रुको डिजाइन बना के देखें

मैंने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में तो बता ही दिया डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं इसे पी एम एफ भी बोल सकते थे जैसा कि अभी मैंने बताया ठीक है, डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन, या फिर क्या बोलते हैं पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं एक बार ज्यादातर यही नाम यूज होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बस प्रोबेबिलिटी के साथ उनके क्या ऐड कर देता है मास ऐड कर देता है वेट ऐड कर देता है समझ पा रहे हो पक्का जैसे वन की मास है टू वन बाई टू के साथ मास है टू बताएंगे वो वैसे वो तुमने मैंने इसलिए तुम्हें बताया शायद तुमने शायद क्यों मैंने बताया तुम्हें जब तुमने वो पढ़ा होगा स्टेटिस्टिक्स में मीन पढ़ा होगा वहां पे वेटेड मीन भी पढ़ा होगा है ना या वो साथ में फ्रीक्वेंसी लगा देते थे ऐसा समेशन समेशन आई ऐसा करते थे ना बस फ्रीक्वेंसी की जगह यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है ऐसा है बस समझे ऐसा ही कुछ है ठीक है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे डिफाइन होता है देखो अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है लेट अस से x एक रैंडम uh, वेरिएबल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज एक्स वन एक्स टू स्मॉल में लिख रहा हूं मैं एक्स एन ठीक है देन पी एम एफ पी एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल में लिख लेना पी को ठीक है यह कुछ ऐसा होता पी एक्स इज इक्वल टू एक्स जे और यहां पर हमारे पास आ जाएगा जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तक भी हो सकता है इनफिनिटी तक भी हो सकता है एल्स अगर और कोई भी वैल्यू आई वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव सेवन उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जीरो सिंपल भाषा में ये इसे ही बोलते हैं डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन या फिर हम इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है ठीक है बाकी इसका एग्जाम्पल से दिखाएंगे तो और मजा आएगा अभी तो हम डेफिनेशन इकट्ठी कर रहे हैं दूसरा हमारे पास एक मेरे को डिफाइन करना होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और उसी के लिए हमारे पास एक आएगा डिस्क्रीट uh, रैंडम गया? कहा एक मैं बात बताना भूल गया तुम्हें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक बात याद रखना ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों के लिए एक बात याद रखना देखो डिस्क्रीट वाले में हम समेशन यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस वाले में हम क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन यूज करते हैं क्योंकि जीरो से वन अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा उसके बीच के सारी वैल्यूज आएंगे समेशन में ऐसा नहीं होता तो यहां पे आएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यहां के लिए लिखता डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो आता समेशन आ, पी एक्स स्मोल एक्स ऐसा कुछ हुँ? और वैल्यूज हमारे पास आ जाती एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेटर से एक्स तक ऐसा कुछ आ जाता और अगर मैं इंटीग्रेशन में लिखना चाहता वेरिएबल के लिए तो माइनस इन सेक्वल टू या एक्स इज इक्वल टू ठीक लिख रहे थे माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक और यहां पे भी हम कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं और यहां पे वेरिएबल मैं चेंज कर देता तो हूँ मजा नहीं आएगा ना वरना यू तक अभी सही लग रहा थोड़ा सा देखने में ठीक है ऐसा कुछ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल और यहाँ लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से ठीक है क्वेश्चन <coughs> से समझा देंगे उसके लिए परेशान नहीं होना थोड़ा सा अभी नोट्स ध्यान दे लेते हैं और एक बार थ्योरी हाथ में होगी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे मजा आएगा बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे दूसरा हमारे पास आता है

क्या होता है हमारे पास ध्यान से देखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इन इन एफ एक्स ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दिस एफ ऑफ एक्स यू डी यू ज कॉल्ड आज के बाद कभी भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना होगा ऐसे कर लेंगे, करना से तो कर लेंगे उसको कुछ देर में डिस्कस करते हैं ठीक है इज कॉल्ड पीडीएफ ऑफ कैपिटल एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने के लिए एक और भी चीज है डेफिनेशन एक और बार लिख लेते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू जीरो से जीरो ले, से लेके इस बार एक्सटेंडेड रियल लाइन नहीं ले रहे हमारे पास ग्रेटर टू जीरो फॉर ऑल एक्स ठीक है और दूसरा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल डोमेन से लेंगे ये वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ही कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए बनाना चाहिए मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे बस यही था <coughs> मैंने डिफाइन कर दिया तुम्हारे सामने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी ठीक है बढ़िया बहुत अच्छे और क्योंकि उसका भी बात बता देता हूँ एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ठीक है एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अब हमें मीन मीडियन सॉरी मीन वेरियंस इनकी बात करनी है लेकिन लैंग्वेज रैंडम वेरिएबल की होनी चाहिए ठीक है मीन वेरियंस लेकिन लैंग्वेज किसकी होनी चाहिए रैंडम वेरिएबल की लैंग्वेज में लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं तो कैसे करें सोचते हैं आ जाओ देखते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या करेंगे लेट एक्स भी रैंडम वेरिएबल कैसा भी हो सकता है सब डिस्क्रीट uh, भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है दोनों के लिए दिखाता हूं एक्स है एक रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ तो ऐसा आ जाएगा आई एक्स आई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसा कुछ यही बताया था ना या इन जनरल लिखी देते हैं डेंस एफ ऑफ एक्स ही यूज कर लेते हैं बस हम दिमाग में रखेंगे कि वैल्यूज कहाँ से ले रहे हैं वैल्यूज uh, कैसे ले रहे हैं इफ एक्स आईज आर डिस्क्रीट वैल्यूज और कॉन्टिन्यूस हुई तो फिर तो हम इसकी डेफिनेशन ही चेंज करनी होगी ठीक है ये आ जाएगा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स एफ एक्स दिस तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा इफ एक्स आई टेक्स कॉन्टिन्यूस वैल्यूज बात समझ आ रही है

वेरियंस बोलते हैं इसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना ज्यादा ही फिर वो जाएगा questions, questions वाला हो जाएगा तो मैं तुम्हें अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल के दिखाना चाहूँ और हमारे पास रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसे है ऐसा मान लेते हैं एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल और डेंसिटी फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है लेमडा ई की पावर लेमडा एक्स ठीक है और जीरो से लेके इंफिनिटी तक ये है और जीरो है एल्स हमें बतानी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो बड़ा आसान है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं करेंगे जीरो से इन्फिनिटी करेंगे ठीक है फिर आता है एक छोटा एक्स लेमडा ई की पार माइनस लेमडा एक्स डी एक्स. एक्स को बाहर निक, नहीं लेमडा को बाहर निकालेंगे और इसमें वो लगा देंगे यू इन वी पहला ऐसे ही दूसरे के इंटीग्रेशन और माइनस एक्स की वन हो जाएगी ई होप कि थोड़ा सा समझ आ रहा हूं मैं डिफ्रेंशिएशन कैसे कर रहा हूं सॉरी इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं अरे 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 अभी सही लग रहा हुआ, ठीक है बाकी इसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा लैमडा <coughs> अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें इन्फिनिटी तो ई की पार हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ई की पार माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो खत्म और दूसरे पार्ट में अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो ये वाला एक्स लेके डूब जाएगा इसे तो इसका कोई काम बचा नहीं हमारे पास बचा बाहर वाला लैमडा और अंदर बचेगा माइनस माइनस प्लस बचेगा ई इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पार माइनस के लेमडा एक्स डी एक्स लेमडा से लेमडा भी गया तो ई की पार माइनस के लेमडा एक्स अपन में माइनस के जीरो से लेके के वन निकाला बाहर, ए की पार पड़ा हुआ है तो वन बाय लेमडा इज फाइनल आंसर मान लो तुमसे कोई पूछता डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकाल के दिखाओ है ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए अभी अभी फॉर्मुला ये लिखवाया था इसमें एक्स आता है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्स आता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिफाइन ही कुछ ऐसा किया था देखो ऐसा कुछ डिफाइन किया था एक्स से छोटी छोटी वैल्यू लेनी है ठीक है तो इसलिए इसमें एक्स आता है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से तो क्यों ही कर रहे हैं हम जब वैल्यू ही दी हुई है जीरो से लेके इन्फिनिटी जीरो से लेके एक्स तक और लेमडा ई e की पावर माइनस के लेमडा एक्स डी सिर्फ इतना ही करना हमें ठीक है और अगर इसकी जगह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता तो मैं इसकी जगह लिख देता आर डिफिकल्ट टू हैंडल एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन लेमडा बाहर e की पार माइनस के लेमडा एक्स माइनस के लेमडा जीरो तक जो कि हो जाएगा गायब माइनस वन e की पार माइनस के लेमडा एक्स और जीरो डालेंगे तो दिस जो कि आ जाएगा वन माइनस ई के पार माइनस के लेमडा एक्स एंड दिस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है और भी एग्जांपल्स ढेर एग्जांपल बनाए जा सकते हैं तो ये उसमें से एक बेसिक वाला था ऐसे मैंने जैसे तुम्हें बताया कि एक्सपेक्टेशन में एक मीन जैसी चीज आ जाती है वैसे एक वेरिएंस भी आता है तो मैं वेरिएंस भी दिखाता हूं मेनली यही दो टर्म यूज होती हैं क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर इसी का ही होता है वेरियंस का मतलब क्या होता है मेजर करता है है स्प्रेडनेस। स्प्रेडनेस यही होता ना और dispersion. कितना फैला हुआ डेटा है ये बताएगा ठीक है वही हमें इसमें चेक करना है तो वेरियंस हमारे पास क्या हो जाएगा बाई डेफिनेशन वेरियंस हमारे पास कुछ ऐसा आएगा समेशन एक्स माइनस मीन एक्स आई लिख देते हैं पे ये छोटा याद रखना ठीक है है बस साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा वही खत्म हो चुका है। और एक्स क्या है या लिख लेते हैं है ऐसा कुछ और वेरिएंस का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस के लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन

dx डिवाइड में फिर y1 आना था लेकिन मैंने नहीं लिखा यहां पे x हमारे पास क्या है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल खत्म हो चुका यही था भाई साहब ठीक है और इसी के साथ मैं एक और भी चीज लिखवा देता हूं जिसे हम स्टैंडर्ड uh, डेविएशन भी बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और नहीं है बस इसी का स्क्वायर रूट है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन

एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रेंडम वेरिएबल कोई भी रेंडम वेरिएबल क्या हमारे पास नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ़ वेरिएबल सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ़ रेंडम वेरिएबल इन जनरल अगर हम बात करें तो ठीक है अगर कोई फंक्शन दे रखा हमें लेटेस्ट uh, से रियल से रियल ऐसा कुछ वन वेरिएबल अभी मान के चल रहे हैं हम तो इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी लिखी जाएगी एक्स हमारे पास एक रेंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट भी हो सकता है और चलो दोनों के लिए लिख देते हैं अलग अलग इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा समेशन आई जी एक्स आई इन में डेंसिटी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन किसका डेंसिटी पी डी एफ ओफ एक्स रेंडम वेरिएबल इसका डेंसिटी फंक्शन ठीक है साधारण भाषा में बस मैंने यहां पे पहले एक्स लिखता था उसको फंक्शन से रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं करा और अगर ये रैंडम वेरिएबल होता तो एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है पे ठीक और और अगर डिवाइड में भी आता है पता है ना डिवाइड में समेशन ऑफ दिस आ जाएगा लेकिन वो तो वन ही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी इसलिए मैंने नहीं लिखा माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी जी एक्स आई एफ एक्स इंटू डी एक्स जहां पे

मीन आ जाता है इसको हम म्यू ऑफ़ एक्स भी कभी कभी लिखा करेंगे ध्यान रखना और अगर सेकेंड पार्ट जी ऑफ़ एक्स को तुम स्मॉल एक्स है जी ऑफ़ एक्स को तुम रख दो स्मॉल एक्स लिख देता हूं यहाँ पे इसको रख देते एक्स एक्स बार का होल स्क्वायर तो क्या बन जाता तो ये हमारे पास बन जाता अस से वेरिएंस बन जाता एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स फिर हमारे पास बन जाता इस बार ये बन जाता वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस को हम कुछ ऐसे लिखा करते हैं मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन हाँ जो कि पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है एक्सपेक्टेशन एक नंबर नहीं कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन में एक नंबर डाल दें कॉन्स्टेंट डाल दें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी क्या होगी अरे वही होगी मैं तुमसे पूछू वी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अरे भाई नंबर ही तो होगा ना चाहे तो तुम उसमें से फॉर्मूला भी लगा के देख लो जी ऑफ एक्स की जगह सी आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सी बाहर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेकिन हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे समिशन लगाओगे तो आंसर वन आ जाएगा है ना यही इसका छोटा सा प्रूफ भी था लेकिन प्रूफ मैं साइड पर हटा रहा हूँ अभी फोर अब कॉन्स्टेंट सी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी इंटू जी एक्स तो सिंपली लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बाहर आ जाएगा ठीक है अ सी वेरिएंस के बारे में भी काफी सारी प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बस मैं यही बताना चाह रहा हूं तुम्हें तो, तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी वन जी एक्स जी वन एक्स प्लस सी टू G2X, C1, expected value of G1X. <coughs> जैसे अगर अगर तुमने पढ़ी होगी, तो uh, differential equation में क्या होता है? अगर एक सॉल्यूशन वर्क करता है differential equation के लिए, दूसरा भी वर्क uh, करता है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी वर्क करेगा और लीनियर कॉम्बिनेशन यही है जो मैंने यहाँ लिखा है ये सी टू एक्सपेक्टेड वैल्यू टू एक्स

अभी मैं स्मॉल एक्स ही लिख रहा हूं हर जगह ठीक है ऐसा कुछ ये भी स्मॉल एक्स ही है मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी लेकिन वेरिएंस भी तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन लिखी जानी चाहिए थी तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसी में ही आ रही है जो ऊपर लिखी थी ना उसी में ही आ रही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस कैसे लिखा जा सकता है वेरिएंस ऑफ एक्स को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन मीन को तो अभी हमने देखा था ऐसा लिखा जा सकता था है ना मीन अरे भाई यही तो था मीन ये रहा देखो मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो लिखा जा सकता था है ना जो कि हमारे पास बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ध्यान से देखना अंदर मल्टीप्लाई कर दो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ए पहले के साथ देखो एक्सपेक्टेशन ये अब क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स का का स्क्वायर स्क्वायर एक्सपेक्टेड मतलब मीन मीन अब mean तो एक नंबर नंबर है ना अगर तुम का कर दोगे तब भी वो नंबर ही रहेगा और कभी भी नंबर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो वो नंबर ही वापस आ जाएगा पहली प्रॉपर्टी यही की है इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ध्यान से वीडियो को पोस्ट करके सोचो ये बात को यहां पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस में टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मीन एक नंबर है बार आ जाएगा बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो कि हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इस ये दोनों सेम ही लग रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ एक्स आ चुका हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स ठीक है एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल एक्स भी लिख सकता हूं यहां पे ठीक है रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहां पे पे भी कैपिटल कैपिटल एक्स एक्स ही कर लेना जहां करना होता है वहां हमारा स्मॉल एक्स लग जाता है ऑटोमेटिकली जहां जहां लिखा है ना स्मॉल एक्स उसे कैपिटल एक्स कर लेना बस क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम रैंडम वेरिएबल की निकाल रहे हैं बस ये हमारे पास फॉर्मूला दी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कह सकता हूं मैं इसे बात समझ आई लेकिन रैंडम वेरिएबल में दो इन दो इनइक्वालिटीज आते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वो इनइक्वालिटीज क्या है हमारे पास क्योंकि मैं इनके बिना तो भाई आज का लेक्चर तो समाप्त करता ही ना इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है सबसे पहले चेबीशेवस इनइक्वालिटी अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता कैसा रैंडम वेरिएबल है क्यों है क्या है पता नहीं मेरे को नहीं पता वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत पावरफुल होने वाली है ये क्वेश्चन के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होगा फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे चैबी शेप्स इन इक्वालिटी क्योंकि ये बिना कंसिडर किए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को है रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो जो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कराया था डेंसिटी फंक्शन कराया था अगर वो हमें नहीं भी पता तो भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस थ्योरम दिस इज वेरी पावरफुल अगर एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और जी हमारे पास एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है वैसे भी प्रोबेबिलिटी की बात करें ज्यादा नेगेटिविटी की हम बात करेंगे नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एक्स ग्रेटर टू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस के फॉर ऑल के ग्रेटर जीरो आज के बाद कोई तुमसे पूछे वी प्रोबिलिटी ऑफ टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू ऐसा बता देंगे भाई हम एक्सपेक्टेड से तो लेकिन मैं बिना बिना कुछ मेहनत के भी तो कर रहा हूं ना तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा बट हाँ बहुत कुछ बता दूंगा इसके बारे में ठीक है इसको हटा देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लेकिन मैं उसकी बाउंड बता दूंगा अपर बाउंड बता दूंगा इसीलिए इसको इनिक्वालिटी बोला हमने ऑब्वियस सी बात थी वैसे तो है ना दूसरा हमारे पास हो जाएगा अगर इसी की है इसी के ही नोट में लिख लो अगर हमारे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल है वेरिएंस uh, सिग्मा एक्स का स्क्वायर देन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मीन ग्रेटर टू आर सिग्मा एक्स देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन जब मैं तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा तो बहुत सही लगने वाली है चीज़, आ, ये चीज़ ठीक है ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर टू आर स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाय आर स्क्वायर ये हमारे पास ठीक है ऐसा और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कोरोलरी है तो मैं इसको डिस्कस करूंगा मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा एक लेकिन सेपरेट वीडियो में तब मैं इसको और ज्यादा डिस्कशन करूंगा कि इसका मतलब क्या ठीक है थीके? तो इसी में एक और नोट नंबर टू लिख लो तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स में म्यू ऑफ एक्स

जितना भी डेटा है सिंपल सिंपल भाषा में बोलूं वो तीन स्टैंडर्ड डेविएशन में इकट्ठा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ये तो फैलाव तो अगर तुम तीन बार स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास नाइनटी नाइन परसेंट एरिया आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने ना जो भी डेटा इकट्ठा करा उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई ऐसे आ गया कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डेटा लेफ्ट साइड पे भी आगे और ये है मीन, अगर मैं मीन में तीन, तीन, तो सारा सारा तीन स्टैंडर्ड एवियशन में ही ठीक है ऐसा है लेकिन अभी एक मैं उससे भी ज्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूँ कि टू टाइम्स अगर तुम करो स्टैंडर्ड एवियशन तो हमारे पास हो जाएगा म्यू एक्स प्लस में टू सिग्मा एक्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थ्री बाय फोर से बड़ी होती है यहाँ पे डाल के देख लेना ठीक है आर की जगह बस टू ही है यहाँ पे तो डाल के देख लेना यहाँ पे वन बाय फोर आ जाएगा वन बाय वन माइनस वन बाय फोर थ्री बाय फोर होता है और फाइनल आज की हमारे पास जेनसन इक्वालिटी इन इक्वालिटी जेनसन हमारे को क्या कहती है कि फिर से हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कभी भी तुम्हें निकालनी है किसी फंक्शन की तो हमेशा बड़ी होगी फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है बढ़िया बट यहां पे ये ध्यान रखना कि ये जो g है ये कन्वेक्स फंक्शन है कन्वेक्स फंक्शन अब ये क्या होता है भैया बताते कन्वेक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन जो इसको फॉलो करे मतलब मैं अगर इसके ग्राफ में कभी भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करूं जैसे ये मैंने यहां से एक पॉइंट लिया यहां से एक पॉइंट लिया दोनों को ज्वाइन करा ये लाइन बाहर चली गई है ना तो ऐसे फंक्शन नहीं चाहिए मुझे मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मैं लाइन लाइन करूं और वो सारा का सारा का अंदर अंदर ही आ अंदर ही आ जाए सारी कंटेन फॉर एग्जाम्पल हाई पर बोला है मैंने एक पॉइंट यहां से लिया एक यहां से लिया बाहर चला गया एरिया तो यही था ना सिर्फ लेकिन लाइन यहां आ गई तो ऐसे फंक्शन नहीं चाहिए मुझे तो कन्वेक्स फंक्शन ऐसी कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जो मैंने यहां पर लिखी है लेस देन लेस देन इक्वल टू ऐसा कह सकते हैं कि या एक मिनट इसको थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं जी ऑफ ए वन माइनस लैमडा प्लस में बी लेमडा अभी सही लग रहा है लेस देन इक्वल टू वन माइनस लेमडा जी ऑफ ए प्लस लैमडा जी ऑफ बी ज्योमेट्रिकली वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया ठीक है इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी आती हैं मोमेंट्स क्या होता है और वो लाइफ वाले मोमेंट नहीं वैसे मोमेंट भी होते हैं यहां पे ठीक है तो वो चीजें रहती हैं तो उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कल से भाई हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस की लड़ी लगा देंगे तुम्हारे सामने इतने क्वेश्चन कराएंगे कि परेशान हो जाओगे कि बस करो लेकिन हम बस करेंगे नहीं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक लेना ख्याल रखना पढ़ाई करते रहना मेहनत बहुत सारी करना मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक ले बाय बाय